जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल का दौर टेक्नोलॉजी के साथ चला हुआ है। हर जगह हमें टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार व्यवसाय भी तकनीकों के माध्यम से बहुत आसान एवं कम लागत वाले हो गए हैं। इसलिए इस विषय पर और ध्यान एवं सूचना एकत्रित करने के लिए हम जेनेसिस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में गए। प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण हो रहा था, जैसे फैन शीट, राउंड शीट एंड कैप्स एंड गिट्टी आदि वस्तुएं बनाई जा रही थी। प्लास्टिक के ये सारे उत्पाद घर की इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। मोल्डिंग मशीन के जरिए कम से कम 2 से 3 मिनट में प्रोडक्ट तैयार हो रहा था, जिसको बिना मशीन से तैयार करने पर काफी समय लग सकता था। बिना मशीन से तैयार करने पर 4 से 5 वर्कर्स चाहिए थे। अब उस समय को मशीन 1 वर्कर्स की मदद से कम समय में अधिक से अधिक आउटपुट दे रही थी। हमारी बातचीत वहाँ के सुपरवाइजर से भी हुई। उन्होंने भी हमें पूरा मशीन का प्रोसीजर समझाया। तो इतना प्रेशर दे दिया कि जो हीटेड लिक्विड है दाने का, वो उसमें चला जाता है एंड वो उस डाई की फॉर्म ले लेता है। पीछे यहाँ पे वाटर पाइपलाइंस लगी है जो उसको ठंडा कर देता है एंड वो क्विकली उसकी शेप आप जैसे देख सकते हैं वो आया क्विकली फटाफट बन के आ जाता है। ये मीटर है कि कितनी आपको हीट चाहिए होती है, इसका पूरा सेटिंग्स है यहाँ पे, कितनी आपको हीट देनी है, कितना टाइम में आ जाएगा ये बनकर। सबके बटन अलग अलग लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल्टिंग का बटन है एंड यहाँ पे हीटिंग का बटन है। एक एक चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे, कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली। कैसे प्लास्टिक के पीस बिना किसी मैन पावर से ऑटोमेटिक मशीन के जरिए मशीन में जा रहे थे एम काफ़ी हीट के माध्यम से उस प्लास्टिक को अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज किया जा रहा था एम अलग अलग प्लास्टिक उत्पाद बनाए जा रहे थे। हमें इस माध्यम से सूचना मिली कि किस तरीके से कम वर्कर से कम लागत एवं कम समय में कैसे प्रोडक्शन हो रही थी। हर चीज़ के फायदे नुकसान दोनों होते हैं। टेक्नोलॉजी आने पर कम वर्कर्स की जरूरत पड़ रही है एवं रोजगार भी कम हो रहे हैं, लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी के साथ ना चलने पर अनेक हानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए टेक्नोलॉजी ने आज के युग को बहुत ही बदल दिया।